ठीक है, तो पहले तो कल की बात कर लेते हैं। तो कल जितनी भी टीमें मैंने बोली थी, आरजे विन करेगी, एनडब्ल्यूडब्ल्यू किस हिसाब से जीती आप देख लो, टेबल टॉपर किस हिसाब से जीती है, सब मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। ये वाला मैच तो वो हो गया, ठीक है। इसमें मैंने बोला था चेस विन करेगी तो नेदरलैंड चेस पे आई थी, इसमें अफगानिस्तान मैंने बोला था अफगानिस्तान विन की, इसमें आपके केदार यादव नहीं खेले थे, फिर भी मैच काफी अच्छा बना, इन्होंने चेस करके काफी अच्छी टक्कर दी, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो कल भी जितने भी मैचेस मैंने आपको बताया था सब वही विन की, मतलब ये दोनों मैच अच्छे बन गए ना, और दोनों ही हमने आपको पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे हमारे ट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है, एडवांस में। अब आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आज का बनाऊंगा, मतलब 5 जून का और 6 जून का, ठीक है। और फिर मैं आपको रात तक T20 ब्लास्ट, तो कल सुबह तक T20 ब्लास्ट का फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा। मैक्सिमम केस में वही 4 टीम आपकी सेमीफाइनल तक जानी चाहिए और उन्हीं सब में से कोई फाइनल तक जीतना चाहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में ये है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपने को, झारी चीज आपको समझाई है, रत्नागिरी वर्सेस छत्रपति, ये दोनों ही अभी तक अनबीटन है, बट रत्नागिरी 2 में 2 जीती है, अब रत्नागिरी के साथ रहो। ये मैंने अपने एडवांस वीडियो में बता दिया था, अजीम काजी की टीम है, इनको हराना बहुत मुश्किल है। सत्यजीत बच्छव का नाम याद रखिए, इसे मैंने पहले भी देखा हुआ, इन सबके मैचेस आपके ओडीआई पहले आता था, ठीक है। ये जो विजय हजारे वगैरह होता है, टॉप क्लास का बॉलिंग कर रहा है और इनकी बॉलिंग लाइन भी अच्छी है, बैटिंग लाइन भी अच्छी है, ठीक है। छत्रपति भी एक भी मैच नहीं हारी है, बट फिर भी आप रत्नागिरी के साथ रहो, ये अनबीटन है, ठीक है, 2 में 2 जीते हैं। अब ये आ गया आपका ओडीआई, ठीक है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। बंदे ने पॉइंट टेबल नहीं दिया होगा तो मैं खुद ही पॉइंट टेबल आपके सामने ही खोल के देखता हूं, इसे ना कोई वो नहीं होगा, आराम से वीडियो बनाएंगे, 20 मिनट का बन सकता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस लेस्टी शायर का मैच है, ये जो भी नाम हो, लंकी शायर, ठीक है। तो इसमें हमारी टीम रहेगी ये, इसमें ये, क्योंकि ये 2 में 2 जीत चुकी है, कुछ नहीं करना, खाली टेबल आपके सामने उठाया हूं, आपको टीम चिपका रहा हूं, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट वॉरियर वर्सेस मनस्टर रेड, तो मनस्टर रेड ने एक जीत लिया है, नॉर्थ वेस्ट वॉरियर एक भी नहीं जीती है। आपको याद होगा कल भी मैंने यही बोला था, इनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट जाकर मैंने रियासवाली जीती थी, तो ये मैं श्योर नहीं हूं, ये अभी मैं अंदर जाऊंगा, टीम देखूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आता है इसका दूसरा मैच, आपका ये जो एमपीएल चल रहा है, ठीक है, कोल्हापुर वर्सेस ईगल नासिक, ठीक है। तो कोल्हापुर अभी एक भी नहीं जीती है और ईगल नासिक एक में एक जीत चुकी है, तो दो ही टीम है जो एक भी नहीं जीती है, एक आरजीआर और एक केटी, तो इन दोनों में कोई एक टीम पूरे टूर्नामेंट भर में हारता रहेगा, तो आप इसमें इसके साथ रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया आयरलैंड में आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद को मालूम है, भैया सब बता देंगे, मेरे को अलग से कुछ नहीं बताना, बट हाँ इतना मैं बता सकता हूं कि आयरलैंड इज द चेज टीम, और अगर चेज में ही आपको हालत ना खराब करके दिए पूरे टूर्नामेंट में तो बताइएगा, मेरा नाम बदल दीजिएगा, तब मतलब इतनी भयंकर चेजिंग टीम है जिसका हिसाब नहीं। और ये मैच जहां तक अभी मैं देख रहा हूं कि ये मैच उसी पिच पे हो रहा है जिस पर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट विकेट था वो जो मैं देख रहा हूं, अगर पूरे टूर्नामेंट में आप देख ही रहे हो, यही मजा देता है। और ये बड़े बड़े जो कमेंटेटर सब होते हैं फिर बोलते हैं अरे पिच अच्छी नहीं है, अरे भाई क्यों अच्छी है, आपको 250-250 रन का टोटल चाहिए, उसमें बल्लेबाज खाली मारता रहे पागल की तरह, अब यहां इनके किसी के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही, हां इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं सब फ्लॉप हो रहे, तो बात यही है ना भाई, कठिन विकेट पे आप खेलो, आप कठिन विकेट पे खेलोगे नहीं तो यही होता है ना, क्यों नहीं भाई 100 रन पे मेरे को तो मजा दे रहा है भाई, सारा मैच आखिरी बॉल तक जा रहा, आखिरी ओवर तक जा रहा है, बनाऊं 100-100 रन, अगर हिम्मत हो तो छक्का चौका मारो, 100 क्लास लेके मारा छक्का छक्का। तो बात यही है, उसी पिच पे मैच है, बट यही है कि इंग्लैंड की आयरलैंड की बॉलिंग लाइनअप काफी कमजोर है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर ये चेज करेंगे तो काम कुछ कर सकते हैं, बट कुछ नहीं, मतलब मेरे को टीम देनी है, मैं आपको टीम दे रहा हूं, बट ये बता सकता हूं कि आयरलैंड चेज में कलर ला सकती है, ठीक है, आयरलैंड इज अ चेज टीम और मैं पूरा श्योर हूं कि इस वर्ल्ड कप में बहुत बवाल करने वाले आयरलैंड वाले, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर हो गया, इसमें मैं अंदर घुस जाता हूं, फिर आपको बताता हूं, अभी तो आज का भी पूरा बनाना है। इसमें जब तक ये टीम ना हारे आप इनके साथ रहो, जब तक ये दोनों टीम एक भी मैच ना जीते आप इनके अगेंस्ट रहो, सिंपल सा ट्रिक यूज करते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। आप इसी ट्रिक पे ना जाने क्या कर सकते हो, कल देखो कितना बेहतरीन मैच हुआ, 1 रन से टीम जीत गई जो टीम एक भी नहीं हारी थी, मतलब पहले बंदों को लगता था यार यहां कुछ हो नहीं सकता कुछ, अब लोगों के हाथ में सारी चीजें हैं, शायद आज भी लोग नहीं कर पा रहे, सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। डर आपके अंदर जो एक डर है कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा, वो आप अपना जहां दिमाग लगाओगे आप काम से जाओगे, ठीक है। तो मनस्टर रेड वर्सेस एनडब्ल्यूडब्ल्यू का है और एनडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक भी मैच नहीं जीता अभी जैसा हमने देखा, ठीक है। तो फिर भी मेरे को देखिए टीम एकदम बेकार लगती है, मैंने कल भी आपको इसलिए अगेंस्ट दिया, ये सब बेकार प्लेयर है, मैंने आपको वही बोला, इनकी टीम फिर भी अच्छी लग रही है, तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे, टेबल बॉटम के साथ रहेंगे, मैंने आपको बता दिया, अच्छी टीम है, स्टीफन धोनी तो भाई सेंचुरी मार सकता है, ठीक है, पहले बहुत सेंचुरी मार चुका है, इधर भी थोड़ा फॉर्म में नहीं है, बाकी इनकी टीम नीचे तक बैटिंग लाइनअप है और सब अच्छा करके दे रहे हैं, ठीक है। रायन मैकबेथ, आपके स्कॉट मैकबेथ, सब फ्यूचर है आपके आयरलैंड के, ठीक है। बाकी मेली का नाम याद रखिएगा, इसमें तो मैंने आपको क्या बोला, नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस, इसमें एक भी नहीं हारी है नॉर्दर्न नाइट्स, ठीक है। कल के दिन भी इन्होंने, कल के दिन ये हारे हैं, ठीक है, कल के दिन अच्छा इन्हीं के साथ इनका मैच था, पर ये T20 के हिसाब से ठीक है, बट आप इनको ओडीआई के हिसाब से इनको लो, ठीक है। अब ये कोल्हापुर वर्सेस ईगल नासिक, ठीक है, हाँ तो ठीक है, सिंस इसमें केदार जाता है, भैया इनका सिलेक्शन हुआ अचानक से इन्होंने रिटायरमेंट लिया, पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं भैया, टूर्नामेंट में खेल के रिटायरमेंट लो ना, क्या उनसे कोई बड़ा बात हो रहा है, तभी हट गए, उसकी वजह से टीम डाउन हो गई, पूरे मेन प्लेयर इनके यही थे, जैसे उनके मेन प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ है, भैया बहुत बढ़िया खेलता था डोमेस्टिक में, बहुत भयंकर सेंचुरी मार रहा था, पर ये बाकी टीम पूरी एवरेज लग रही है इनकी, ठीक है। अब इसमें आप इनके अर्जुन कुलकर्णी आपको मैच विन करा सकते हैं, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, तब इनके साथ रहो, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। रत्नागिरी वर्सेस छत्रपति, ठीक है, अब ये इसमें तो भैया आप इनके साथ रहो, ठीक है, अभी तक एक मैच नहीं आ रहे, ये भी पहला मैच बहुत भयंकर तरीके से जीते हैं, बट ये सत्यजीत बच्छव इनके जो बॉलर्स हैं सब अच्छा कर रहे हैं, अजीम काजी अच्छा कर रहे हैं, इनको तो भैया आईपीएल तक भी ये खेल सकते हैं, ठीक है। और इंडिया वर्सेस आयरलैंड में मैं यही बोलूंगा पिच सिंस बहुत स्लो है, यहाँ आपका काम हो सकता है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने आईपीएल में आपको मना किया, जो बंदे ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, मतलब आप विकेट नोट वगैरह देख सकते हो आराम से टीम कवर, या क्योंकि बॉल होता क्या ज्यादा कुछ देता नहीं है और बॉल वगैरह वो क्रॉस कर जाता है, कई बार आप देखोगे 30-30 बॉल पर सब 20-25 रन बना रहे, तो आप टीम का जा सकते हो, 2 बॉल पर 2 विकेट गिरेगा आपका सब सक्सेस हो जाएगा, तो वाइड बैलेंसन यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है, आप कर सकते हो, पर इनकी बॉलिंग लाइनअप के सामने मत करो, छोड़ दो, इंडिया आयरलैंड में मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ आयरलैंड चेस करके अगर आयरलैंड पहली बैटिंग आए तो इंडिया, और अगर आयरलैंड चेस पे आए तो हल्का कलर आपको मिल सकता है, ओपन करके देखता हूँ क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है, तो इंडिया के कैसा अगेंस्ट जाना बेवकूफ़ी है भाई,
है ना, इनकी बॉलिंग लाइनअप में भी उतना दम नहीं, इंडिया पहली बैटिंग भी कर लेगी तो बहुत रन बना सकती है, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा इनका। हालांकि कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसमें ऐसे तो इंडिया, ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि तैयार रहिए उलट फेर के लिए, ठीक है। 7 मैच हो गए अभी तक, एक भी उलट फेर नहीं हुआ है वर्ल्ड कप में, मैचेस क्लोज गए हैं, बट अब तैयार हो जाइए। अब से जो मैचेस रहेंगे मेरे ख्याल से अच्छा खासा आपको उलट फेर देखने मिलेगा। कल ऑलमोस्ट आपकी स्कॉटलैंड, जैसा मैंने आपको बोला, माइकल अलेक्जेंडर लीस, क्या नाम है उसका, माइकल अलेक्जेंडर जोन्स, ठीक है, एकदम टॉप क्लास का क्रिकेटर, ठीक है, इंग्लैंड डोमेस्टिक में खेलता है, क्या पारी खेला था। अगर बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड हो सकता है इनकी हालत खराब हो जाती, ठीक है। तो ये आज का दिन अभी आप वीडियो बंद कर सकते हो और उसके बाद फिर बाद में वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कल के दिन के लिए। तो बहुत क्लियर तरीके से आज हमारी रत्नागिरी जेट्स रहेगी, ठीक है, इसमें हमारी टीम नॉर्दर्न नाइट्स रहेगी, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, भूल जा रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, 2 में 2 जीती है। इसमें टेबल बॉटम के साथ हम रहेंगे क्योंकि इनकी टीम मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, मनस्टर रेड की टीम मेरे को उतनी पसंद नहीं है। कोल्हापुर और ईगल नासिक में हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इसमें हम इंडिया के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट हो गया, जितना भी मिनट से अब आप क्लोज करके आज के दिन का ये कर सकते हो, बाकी कल का वीडियो इसी में मैं घुसा दूंगा, बाद में आके कल के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गया खत्म, अब मैं इसके ऊपर नहीं आऊँगा, ठीक है, अब अपन बात करेंगे कल की, ठीक है। तो अब इतने सारे मैचेस हमारे पास 6 जून के, प्लस ये बात याद रखिएगा कि अब एक नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है, काबुल एक्सप्रेस करके, क्या नाम है उसका, वही अफगानिस्तान में, पर इस बार ये लोग क्या करें, दिमाग लगा रहे हैं, पर अपन दिमाग में नहीं फंसेंगे। आपको मालूम होगा कोच टेपा जो हुआ था उसमें 100-120 रन बनकर वो मैच डिफेंड हो रहा था, अब यहाँ ये बना रहे 200 रन, वो पागल समझ रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा था तो मैंने वही बोला कि भाई आप लोग जितना भी दिमाग लगा लो, मतलब इस तरीके से थोड़ी, अगर कोई बंदा सोचेगा यार अभी अफगानिस्तान में मैच हुआ 120 पर टोटल डिफेंड हो रहा है, यहाँ 200 रन बन रहे हैं ना, क्योंकि वो बनाया जा रहा है, ये हाई स्कोरिंग पिचेस में मैच हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ मैं नहीं फंसने दूंगा ना। आप ठंडे रहिए, अगर आप मेरे को फॉलो करें एकदम ठंडे रहिए, एक किसी हिसाब से दिमाग लगा सकते हो सब चीज़, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट हुआ 13-14 मैच का, पंटर से एकदम माला माल हो गया आप मान के चलो, तो वही बात है, अभी फालतू टूर्नामेंट करा रहे हैं, देखेंगे कुछ होगा तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए सारी चीज़ क्लियर हो गई, अब इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और हमारे पास सिंस आज का मैच तो हुआ नहीं है, इसको मैं सुबह बना सकता हूँ, पर ये सब सुबह सुबह मैच आ रहे हैं ना, तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ सारी चीज़। जैसे उस दिन मैंने आपको बोला था सेंट्रल पार्क हारेगी तो नेक्स्ट मैच ब्लेस के साथ रहेगा, नहीं हारेगी तो सेंट्रल पार्क के साथ रहेगा, उसी तरह से कुछ प्रेडिक्शन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आइए पहले इन दोनों की बात करते हैं, ENT इसका मैच, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यही दो मैच हमको दिख रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ENT वर्सेस CSK वर्सेस ENT, दोनों का एक एक मैच आज हो जाएगा और मेरे को नहीं पता आज कौन जीतेगा। पुनेरी बप्पा वर्सेस RR, ठीक है, पुनेरी बप्पा वर्सेस ये RR, तो टेबल बॉटम है, ठीक है, आज ही उनका शायद मैच है, नहीं आज मैच नहीं है, तो आप इसमें तो पुनेरी बप्पा के साथ रहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये टेबल बॉटम है, 2 में 2 हार चुकी है। अब ये वाला मैच मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आज इनका मैच होने का है, ठीक है, अब आज के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल क्या होगा, ठीक है, मैं इसको भी आपको बता देता हूं, आराम से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है मेरे से फिर वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमारा मैच है रत्नागिरी जेट्स और इसका मैच है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इनको हारना चाहिए CSK को, बाकी देखेंगे। और कोल्हापुर टस्कर्स का मैच है इससे, तो इनका, इन दोनों का एक एक मैच है, ठीक है, इन दोनों का आज एक एक मैच है, तो आज के रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कल का रिजल्ट, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी बाद में प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, जो टीम आज जीत गई, मान लो कोई अगर आज जीत जाती है तो कल भी आप उसी के साथ रहना, अगर मान लीजिए 2 में से 1 टीम जीती है एक हारी, तो जो जीत रही आप उसी के साथ कल के दिन भी रहना, क्योंकि वो अनबीटन रहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए दोनों ही हारते हैं, आज दोनों का मैच है, तो फिर ठंडा रहिएगा, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, ये बहुत क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं वुमेंस में, ठीक है, वुमेंस में आपका ये जो मैच है सनराइजर्स वर्सेस साउथ ईस्ट स्टार्स का, तो अभी तक अनबीटन टीम है ब्लेज और साउथ ईस्ट स्टार्स, तो आप साउथ ईस्ट स्टार्स के साथ रहोगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है, ठंडे पड़े रहना है, ये हो गया सारी चीज़ें क्लियर। इसमें अब हम बात करेंगे T20 ब्लास्ट का, इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आज लाऊंगा, मैं बता रहा हूँ जितनी भी टीम 18 टीमें हैं ना, मैं आपको 4 टीम बता दूंगा और मैक्सिमम बता रहा हूँ 4 टीम में से ही कोई एक टीम विनर होगी, ठीक है। पर इसको आप कहिए ना, इतना मैच हो गया कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, आज फाइनली तो सो के उठाऊँ तबियत से 8 घंटा, ठीक है, इतने दिन के बाद, तो वही है कि ये मैच मैं देखूंगा, अभी मैं हाइलाइट्स मतलब सारी चीज़ें नहीं, अभी कम से कम 7-8 मैच मेरे को और हाइलाइट देखने हैं, 10-10 मिनट के लगभग मेरे को लगेगा, तो 3 घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैच भी हो जा रहा है, उस बीच बंदे का डिमांड भी हो रहा है लंबी वगैरह का, तो इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना भाई, बहुत दिमाग लग जाता है उन सब में, अभी ठंडा रहिए आप, ठीक है, कल बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये वाले का हम सबसे पहले पॉइंट टेबल खोलते हैं, मिडिलसेक्स वर्सेस ग्लेनमॉर्गन, ठीक है, तो मिडिलसेक्स और हमारा मैच है ग्लेनमॉर्गन का, ठीक है, तो मिडिलसेक्स एकमात्र टीम है जो एक भी मैच नहीं जीती है टेबल बॉटम ट्रिक के हिसाब से, पर मिडिलसेक्स की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखेंगे ग्लेनमॉर्गन की टीम, तो ग्लेनमॉर्गन की टीम एक मैच जीत चुकी है, इनकी टीम वही शायद क्रिस कुक वाली है ना, मैंने देखा हुआ है इनका भी मैच, हाँ, तो इनकी टीम वो क्रिस कुक वाली है, मार्नस लेबिश आने वाली है, ठीक है, तो यही है। देखिए मैं इसमें एक चीज़ बता सकता हूँ, टेबल बॉटम ट्रिक सब चलेगा, बस भाई आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, आपकी समझ भी होनी चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर पूरे टूर्नामेंट में, मैं आपको बता रहा हूँ, भले मिडिलसेक्स एक भी नहीं जीती है, पर अगर ये चेस पे आएगी ना, हालत खराब करेगी टीमों की, इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी तबियत की बैटिंग लाइनअप है, मतलब सब मोटा मारते हैं, ठीक है, इनके कुछ कुछ प्लेयर्स तो इतना भयंकर खेलते हैं जिसका हिसाब नहीं है, तो चेस में कलर ला के आपको दे सकते हैं। हाँ, फर्स्ट बैटर इनका ये हो सकता है कि इनकी बॉलिंग इतनी रद्दी है, मतलब कोई थर्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, तो ये डिफेंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। टेबल बॉटम ट्रिक के हिसाब से मैं आपको ग्लेनमॉर्गन दे रहा हूँ, पर एक हल्का हिंट दे रहा हूँ कि कलर दे देंगे ये, अगर ये चेस कर रहे हैं तो कलर दे देंगे, मैक्सिमम केस में कलर दे देंगे, ठीक है, पर एंडिंग में आपको ग्लेनमॉर्गन के साथ रहना है, ठीक है। अब नॉर्थ वर्सेस वॉरविकशायर का मैच, इसका तो हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, उसको एक बार गौर से देख लीजिएगा। तो वॉरविकशायर और नॉर्थ एकमात्र टीम है जो एक भी नहीं जीती है, उसके साथ डरहम भी एक भी नहीं जीती है, तो टेबल बॉटम के अगेंस्ट ही रहेंगे हम, ठीक है। नॉर्थ की टीम की याद रखिएगा, ओपनर्स अच्छे हैं एलेक्स हेल्स और इनका ये जो क्लार्क फॉर्म में लग रहा है, अब बाकी इनकी टीम पूरी बिलो एवरेज है, और फिर एंडिंग में इनके बॉलर्स अच्छे हैं, इसके पास जो ओली स्टोन है ना, और मेरे को याद है वो कोई क्या तो लूक फ्लेचर या क्या तो प्लेयर अभी अंदर घुसेंगे तो देखेंगे, तो इनकी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर बैटिंग में वही है कि ओपनर आउट हुआ तो पूरी कोलैप्स कर जाएगी।
वॉरिक शायर की टीम भी कुछ खास नहीं है, पर फिर भी ये दोनों मैच हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया ओमान में, इसमें तो कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, कुछ भी होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी एक मैच देखिए, अभी तक डिफेंड का जैकपॉट नहीं बना, मैंने दिया भी नहीं, क्योंकि वो बना ही नहीं। मतलब टीम विन होनी चाहिए ना, टीम या तो पलट के वो होना चाहिए, या तो लास्ट ओवर में कुछ हो जा रहा है तो हो जा रहा है। अब यूएसए पाकिस्तान में देखिए भैया, मैं तो बोल रहा हूँ यूएसए की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल मैच कहाँ हो रहा है पहले मैं आपके सामने ही देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो कल का पहले मैं मैच खोलता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैच ये नेपाल वाली मैच पिच पे हो रहा है। ठीक है, अब पता नहीं एक ही टीपी चाहिए, एक में 190 बने थे, दूसरे में 109 बने थे, यहाँ प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, देखिए देखिए, इसमें पहला हिंट तो मैं दे दे रहा हूँ आपको, जो हर बार देता हूँ, कि यूएसए और आयरलैंड इससे चेस टीम। ठीक है, यूएसए का जो नीचे के जितने भी प्लेयर हैं आपको कलर ला के देंगे। अब आपको भैया कलर में क्या चाहिए, आपको सोचो ये खुल रहा है। ठीक है, ये खुल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ, तो आपको मालूम है भैया एक इनिंग में पाकिस्तान जितना भी बना दे वो कहीं ना कहीं यूएसए, क्योंकि भैया इन्होंने बांग्लादेश को भी हराया, आपको पता होना चाहिए। कोई इधर उधर की टीम नहीं, याद रखिएगा, आंडू आंडू टीम नहीं है, बहुत तगड़ी टीम है। आपको चेस में ये मैच अच्छा करते हुए मिल सकते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर वही है कि यही है कि आप कितना रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये हारते अपने बॉलर्स की वजह से। इवन तो सब इनको बोलते हैं कि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, पर मैं हमेशा मानता हूँ पाकिस्तान की हमेशा से बैटिंग स्ट्रॉन्ग रही है, बॉलिंग इनकी हमेशा लुटिया डुबोई है। ठीक है, शादाब खान को खिला रहे हैं, एक भी विकेट नहीं ले पाते, पता नहीं अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरे को खुद को नहीं पता। उससे बढ़िया तो आप इफ्तिकार अहमद को बॉलिंग दे दो, चार ओवर एक और बैट्समैन घुसा लो। ठीक है, मतलब बहुत गलतियां हैं इनकी, वही है कि अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, इतना बोल सकता हूं। देखिए बनाने को वीडियो क्या है, आपको सबको पता है पाकिस्तान, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर यूएसए चेस करेगी तो कलर आ जाएगा। ठीक है, आप एक इनिंग वेट कर सकते हो, उसके बाद कलर आ सकता हैवी चांस है। ठीक है, यूएसए चेस में आपको उलटफेर कर सकती है, बस इतना ही बोलूंगा, बाकी भाई अभी बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। पीएनजी और युगांडा का मैच है, खुल रहा है पीएनजी। ठीक है, पीएनजी खुल रहा है जैसा मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए युगांडा भी कोई कमजोर टीम नहीं है, युगांडा का मेन नेगेटिव पॉइंट इनकी बैटिंग लाइनअप थर्ड क्लास है। ठीक है, हाँ, इनकी बॉलिंग लाइनअप वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, लास्ट मैच में भी इन्होंने अच्छा किया। तो पीएनजी की टीम बहुत कंपेटेटिव टीम है, इनकी बैटिंग बॉलिंग सब स्ट्रॉन्ग है, नीचे मतलब एक कंपेटेटिव टीम है, नीचे तक इनकी बैटिंग भी है और नीचे में हिटर भी है, बॉलिंग भी सब विकेट टू विकेट करते हैं, इसके असद वाला चार्ल्स अमीनी ये सब हालत खराब करते हैं। एक ही चांस है, देखिए पीएनजी और युगांडा का मैच उसी पे हो रहा है जैसे बांग्लादेश में था। ठीक है, अभी जो मैच हुआ आपका, ये युगांडा का पहला मैच जिसपे हुआ था। ठीक है, ठीक है, पहला ट्रिक याद रखेंगे, युगांडा अगर पहली बैट करके 20 ओवर खेल गए, 20 ओवर की आखिरी बॉल तक ये खेल गए, ठीक है, मतलब ठीक ठाक तरीके से टोटल बना लिए, चाहे जितना भी हो 120 130 आखिरी बॉल तक थोड़ा बहुत मार के, तो आप युगांडा पकड़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर पीएनजी की टीम को विन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कुछ दे नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा यार, युगांडा की टीम तो अच्छी है पर पीएनजी की टीम में भी वही है ना कि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक ही प्लेयर को ये बार 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 खिला रहे हैं। युगांडा में ये है कि उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, ठीक है, अल्पेश रजमानी वगैरह सब ठीक खेलते हैं, और एक ही तरीका बनता है इसमें, अगर युगांडा पहली बैट कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि दे रहा है तो फिर वो कुछ नहीं देगा, और इन सब पिच में ज्यादा रन बनता है, और युगांडा जैसी टीम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 160-170 का टोटल भी बना सके, मुश्किल से मैंने कितना मैच इनका देखा है, बनाएंगे तो 120-140 तक का टोटल बनाएंगे। अल्पेश रजमानी इनके थोड़े बहुत बॉलर्स आ सकते हैं मैच में, आपका काम बन सकता है, डिफेंड में सिर्फ काम बन सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं बन सकता। मैं आपको ये भी बताता हूँ कौन सी टीम के साथ रहना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, सिर्फ टीम देकर नहीं जाता हूँ कि भैया टीम ले लो इधर पाकिस्तान इधर, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, ये भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अब अंदर घुसेंगे, अंदर घुसने के बाद वापस आएंगे और फिर वीडियो क्लोज करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका इसमें, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें भी आपको सारी चीज़ समझा दी है। ठीक है, इसमें देख लो मेरे भाई, बस यही करना है, इस टीम इन दोनों टीम के साथ रहो जब तक नहीं हारे, जब तक नहीं हारे इसके अगेंस्ट रहो, ये जब तक नहीं जीत रहे, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मालामाल कर देंगे, इसमें तो मैंने आपको समझा दिया है इसका। और अंदर घुस के टीम देखते हैं। ठीक है, इसका तो ऐसे अगर आप मेरे से पूछोगे तो टीम मेरे को ईगल नासिक की काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, अगर ऐसे पूछोगे तो आप ईगल नासिक के साथ रह सकते हो, हालांकि ये पहला मैच जीत गए, अगर आज का मैच मान लीजिए उन्होंने उलटफेर कर दिया तो फिर आप इनके साथ रह सकते हो, नहीं तो फिर आप ईगल नासिक के ही साथ रहना। ठीक है, पुनेरी बप्पा में तो भैया ऋतुराज गायकवाड़ को कोई आउट ही नहीं कर पा रहा, तो करेंगे क्या ये लोग, तो पुनेरी बप्पा के साथ आप रहो। ठीक है, इसमें आप पापुआ न्यू गिनी, और इसमें यही है कि इनकी टीम टोनी उरा, असद वाला, लिया सिका, सिसी बाऊ, हिरी हिरी, चार्ल्स अमीनी, किपलिन डोरिका को अभी नीचे भेज रहे, पहले ओपन करने आते थे, चार सौ पलानी नॉइस, सब मोटा मारते हैं, ये दोनों तो मोटा मारते हैं। काबुआ मोरिया, जॉन करिको, अच्छी बॉलिंग कर रहा, लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, हालत खराब कर दी भाई इन्होंने, मतलब उसकी मैं तो भैया बहुत हैरान रह गया था कि ओडीआई चैंपियनशिप में इनका नाम नहीं है, मेरे को काफी बुरा लगा था, इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था आपको बोला था, क्योंकि बहुत तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है, पर ये इनको मौका ही नहीं मिलता, इन सारी टीमों को केनिया वगैरह को कुछ मौका ही नहीं मिलता। इसमें देखा जाए तो इनकी बैटिंग लाइनअप पूरा है, बैटिंग में इनके दम नहीं है, दिनेश नकरानी अच्छा खेल सकते, ब्रायन मासाब अच्छा खेल सकते हैं, बहुत नीचे आते हैं, बॉलिंग लाइनअप में इनकी कोई कमी नहीं है, सब बिलाल हसन, ये सियोंडो, अल्पेश रजमानी, ठीक है, आपके ब्रायन मसाबा, ओबुआ, सब अच्छा करके आपको देंगे। ठीक है, पर यही है कि टीम स्ट्रांग तो यही है भाई, मतलब इनका एक टीम है, मतलब ये सब जो है ना स्पिनर्स काफी अच्छा खेल लेते हैं, ये आपके किपलिन डोरिका, तो ये टीम बहुत अच्छी है ना, पहला मैच इन्होंने हालत खराब किया, तब चलो पीएनजी के साथ ही आप रहो। ठीक है, इसमें तो मैं यही बोलूंगा कि ये जैसे हमने देखा अभी लास्ट मैच में इन्होंने फाइनल इन दोनों से ओपन कराया, और यही मैं कितने दिन से बोल रहा था, बाकी टीम में तो देखिए कमी तो कुछ नहीं है, टीम तो भैया टीम है, बट यही है कि इनके ऊपर कई बार भरोसा करना थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, इनकी टीम में देखेंगे तो स्टीवन टेलर अच्छा करते हैं, आप जब अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करें अब तक तो आपको नाम याद हो गया होगा, ये सब बैटिंग कर लेते हैं, इतनी भयंकर बैटिंग कर लेते हैं जिसका हिसाब नहीं, बॉलिंग लाइनअप में भी दोनों अच्छे हैं, शैली अच्छा करते हैं, आपको मालूम है कोई अंडरसन अच्छा करते हैं, हरमीत सिंह टॉप क्लास के प्लेयर, ओपन भी करते थे आपके नेपाल टी ट्वेंटी में, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो टीम स्ट्रॉन्ग है, ये तो डिजर्व नहीं करती है। ठीक है, पहली चीज़ जो खुल रहा है वो डिजर्व नहीं करती है ना, पर यह है कि
मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर लो ग्रेड की टीम पहली बैटिंग आती है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि डिफेंडर में फिर भैया दिक्कत हो जाती है, हाई ग्रेड की टीम को पूरा वो मिलता है ना। अगर पहली बैटिंग कर रहे हैं तो इनको खुद को स्कोर नहीं पता होता, जैसे नेपाल जैसी टीम 106 बना रही है ना, अगर चेज करेंगे तो 140 तक भी बना सकते, तो इनको एक्चुअली में स्कोर का टारगेट नहीं पता होता, तो लगते हैं झेलने इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो हाँ, चेज ये कर सकते, इनको पता होगा भैया इतना टारगेट है, पाकिस्तान सामने है, ऑस्ट्रेलिया सामने, मेरे को 140 बनाना है, तो ये अपने हिसाब से खेल के नीचे में जितना भी चाहिए वो बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर यूनाइटेड स्टेट्स चेज पे आती है ना, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स में एटलीस्ट डीपीएलसी एचआरई ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आपको हो जाना चाहिए। इसमें तो देखिए कुछ नहीं है, कुछ ओपन भी नहीं कर रहा, इनकी बॉलिंग लाइनअप हालांकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैच कहाँ पे मैच उतना वो है नहीं, इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, आप इनका डीपीएलसी वो कर सकते हो, सॉरी इनका वाइड एवलेशन कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ मैच कहाँ पे है, ओमान में ही है, ये जो नॉर्न जो बना था, ये जो नामीबिया वाला बना था, पर वही है कि आपको मौका मिलेगा कि नहीं वो आपको देखना, समझना होगा। बॉलिंग लाइनअप इनकी अच्छी है, बैटिंग लाइनअप इनकी अच्छी है, आखिरी तक सब अच्छा करते हैं, लास्ट मैच में भी आपने देखा इनके नीचे तक मोटे हिटर हैं, टीम नहीं जीत सकती, पर बॉलिंग लाइनअप में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिंस पहली बॉल से मार के खेलेंगे, इतना याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच क्या है T20 में, लास्ट ईयर हमने देखा था, किसी को पता होना, मैं बता रहा हूँ ये मार के खेलेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है पिच स्लो है या टफ है, पहली बॉल से मारना शुरू करेंगे ट्रेविस हेड वगैरह, एक एक प्लेयर किया तो आप बॉल टारगेट कर सकते हो, वहाँ आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा मानना रहेगा, क्योंकि ये सब हर बॉल मारेंगे, ये सब स्लो पिचेस पे खेलना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप हर बॉल मार रहे हो तो आप आउट हो जाओगे, तो आप वहाँ एक अपॉर्चुनिटी बना करके बॉल नॉट मार सकते हो, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया। इनका क्या चांस बनता है ओमान का, ऐसे तो देखा जाए तो कोई चांस नहीं बनता, ठीक है, अगर पहली बैटिंग कर लेते हैं और पूरा तबियत से खेल लेते हैं, मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलूंगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, बट भैया इनके अगेंस्ट कुछ भी होगा मैं बताऊंगा, कुछ नहीं मैं आपको बता दूंगा, अभी के लिए कुछ मत रखो, ठीक है, इसमें तो भैया इनके हिसाब जब तक ना हारे, इसमें याद रखिएगा इनके नीचे तक के प्लेयर हैं, बैटिंग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बॉलिंग लाइनअप एक डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है, बाकी अभी तक एक भी नहीं हारे, आप इनके साथ रहो, ठीक है इनके, ठीक है। और मिडिल सेक्स का मैच आई गया, तो देखिए मिडिल सेक्स की ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, वन ऑफ द बेस्ट हिटिंग बॉटिंग बैटिंग लाइनअप है, सब खेल लेते हैं, पर बॉलिंग लाइनअप इतनी पुअर है कि आप इस पर 300 रन भी बनाए तो डिफेंड नहीं कर सकते, इतनी बेकार बॉलिंग लाइनअप है, जबरदस्ती कराना हो तो बात अलग है। इसमें भी देखा जाए तो क्रिस कुक काफी बढ़िया खेल रहे हैं, ये अच्छा खेल रहे हैं, ये अच्छा खेल रहे हैं, ये भी ये सब अच्छे हैं, बट ये टीम भी एकदम एवरेज टीम है, ये सबके टीम का भी मैक्सिमम कुछ होगा नहीं, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज, तो बॉलिंग लाइनअप वगैरह सब अननोन प्लेयर हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, तो ये मैच हालांकि ये 2-2 हारे हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ उसको क्या करना है फाइनल में, ठीक है, नॉटिंगहम में, और इसमें देखा जाए तो ये टीम में इनके दो ओपनर अच्छे हैं, बाकी विलियन को फालतू में चौथे पे भेज रहे हैं, मेरे ख्याल से ओपन करना चाहिए, जोक लाख को नीचे आना चाहिए, बाकी टीम पूरी एवरेज है, यहाँ तक एवरेज है पूरी, खाली इनके पास फिर ये तीन अच्छे बॉलर हैं, इसमें देखा जाए तो ये अच्छा कर रहे हैं, बाकी एडम होसे टॉप क्लास के प्लेयर हैं, नीचे में एडम इसको भेज रहे हैं और ये सब अच्छा करके दे सकते हैं, तो ये मैच भी अच्छा बन सकता है। ऐसे प्रेडिक्ट करना कि भैया ये टीम जीतेगी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट टेबल ट्रिक के हिसाब से सिर्फ मैंने बताया है, बट ये टीम कहीं से कमजोर नहीं है, अभी फाइनल में बता दूंगा आपको, ठीक है, सब चीज़ समझा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें जैसे ये बेकार है, ठीक है, इसके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी उतना भरोसा नहीं कर सकते, ये भी उतना कोई खास नहीं है, बॉलिंग लाइनअप में ये दोनों अच्छा कर रहे हैं, बाकी इन सब पर भरोसा उतना नहीं कर सकते, तो टीम भी पूरी एवरेज है, इसमें देखा जाए तो दोनों काफी अच्छा करें, ये भी अच्छा खेल सकता है, बाकी बॉलिंग लाइनअप में ये दोनों तीनों काफी टॉप क्लास से डिफेंड करके आपको दे सकते हैं, तो ये चीज मैं आपको समझा सकता हूँ, है ना, बाकी सब चीज खाली टेबल ट्रिक के हिसाब से मैं नहीं बता के जा रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूँ A to Z, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, है ना, तो चलिए फाइनल कर देते हैं, उसका तो क्लियर हो गया है, जो मेरे तरफ से एकदम क्लियर है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, इसमें आप पनुली बप्पा के साथ रहोगे, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया के साथ रहोगे, ऊपर से आप प्लेयर्स के बॉल नॉट कर सकते हो, ठीक है, प्लेयर्स के इंडिविजुअल प्लेयर्स के, मेरे को नहीं लगता कि कोई आप हिसाब से अगर देखोगे पागल की तरह से मार रहे हैं, ओमान की बॉलिंग लाइनअप उतनी कमजोर नहीं, आपका काम हो जाएगा, इसमें हमारी SCS रहेगी नो डाउट, ठीक है, इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप ENT के साथ ही रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं हल्का नॉट श्योर वाला हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको बोल तो सकता हूँ यार मिडिल सेक्स बोल तो सकता हूँ, मिडिल सेक्स की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्लू मॉर्गन में क्या है ना, तो मैं चलिए इसमें ना थोड़ा नॉट श्योर हूँ, बट मैं इसमें चेस बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, चेस बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, आप चेस के साथ रहो। नॉर्ट्स वर्सेस वरिकशायर में वरिकशायर एक दीजिए, नॉर्ट्स एक भी नहीं जीती, मैं टेबल बॉटम ट्रिक के साथ जाना नहीं चाहता, है ना, और नॉटिंगहमशायर की टीम अच्छी है और वरिकशायर की टीम मेरे को बहुत अच्छी नहीं लग रही है, हाँ एडम होसे वगैरह हैं, बाकी नॉर्ट्स की टीम में देखा जाए तो अच्छा कर रहे हैं, ओपनर्स भी अच्छा कर रहे हैं, ना, दोनों मैच हारे जरूर हैं, पर टक्कर देकर हारे हैं, तो ऐसे ही नहीं हार गए, और आप पहले सेल्स वगैरह पे पूरा इस तरीके से तो नहीं सोच सकते, पर वही ना यार टेबल बॉटम ट्रिक के अगेंस्ट मैं जाना नहीं चाहता, मेरा बस वही है, तो ये भी मेरे तरफ से रिस्की मैच है, मैं नहीं देना चाहूंगा ये, ठीक है, मतलब श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, बस वही है कि श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, चलिए ये चीज़ नहीं बोलना है मेरे को, मेरे को टीम देना है, मैं टीम देके जाऊँगा, ठीक है, तो चलिए मैंने थोड़ा सोचा है, मैंने थोड़ा सोचा है, इसमें आप ग्लू मॉर्गन के साथ रहो, ठीक है, क्योंकि एकमात्र टीम मिडिल सेक्स टेबल बॉटम है, इसमें दो टीम सिंस टेबल बॉटम है, आप इसके साथ रहो, मैं टेबल बॉटम के साथ आपको दे रहा हूँ, तो समझ के दिया है, इसमें हमारी टीम PNG रहेगी, ठीक है, और इसमें ये आपको वही है कि USA पाकिस्तान में अगर पहली बैटिंग USA करती है तो फिर तो हमारी टीम पाकिस्तान रहेगी, मतलब पाकिस्तान वन साइडेड नहीं हारेगी, ये बात याद रखिएगा, टीम कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान चेज में वन साइडेड नहीं हारी, क्योंकि इनकी 11 नंबर तक बैटिंग है, सेम मैं बोल रहा हूँ USA वन साइडेड चेज में नहीं हारेंगे, है ना, तो अगर पहली बैटिंग पाकिस्तान की आती है तो आप USA पे DPLC HRE ट्राई कर सकते हो, ठीक है, USA पे पहले इनिंग से ही, ठीक है, पहले इनिंग से DPLC HRE ट्राई करना है, और पाकिस्तान चेस पे हो तो फिर हमारी टीम पाकिस्तान रहेगी, तो इस मैच में सिर्फ इतना ही, DPLC HRE फर्स्ट बॉल से, ठीक है, जो भी टीम चेस पे आएगी उसके साथ आपको रहना है, ठीक है, तो सारी चीज समझा दी, इसमें खाली एक हल्का हिंट दूंगा, युगांडा पहली बैटिंग करके पूरा इनको पर खेलना पड़ेगा अच्छे से, वो जजमेंट आपका होना चाहिए, बाकी इसमें मैं टेबल बॉटम के साथ हूं, इसमें मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, मेरे हिसाब से सारी चीजें समझा दी दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूं ये मेरे, अगर आप मेरे से फाइनल पूछोगे कि कुछ उम्मीद क्या है, ये जे का मतलब समझ जाना, जो मेरे को अच्छा मैच लग रहा है, ये मेरे हिसाब से अच्छा मैच बनना चाहिए, ठीक है, ये दो मैच काफी अच्छे बनने चाहिए मेरे हिसाब से, और इन दोनों में मेरे हिसाब से ये मैच भी अच्छा बनना चाहिए और ये मैच भी अच्छा बनना चाहिए, इन सबको ये इनके मैच अभी अच्छे ही बनेंगे, ठीक है, तो सारी चीज समझा दी दोस्तों, बस हालत खराब हो चुकी है, मैक्स होल्डन का नाम याद रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन सकता है इंग्लैंड का, ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं है दोस्तों, क्रिस कुक वगैरह काफी मोटा मार के दे रहे हैं, अब हालत खराब है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूं, ठीक है।